ये रेस्टोरेंट हर किस्म के चाइनीज़ खानों और फास्ट फूड के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसका एड्रेस है मेन शिपोनर कॉलेज नॉर्थ नाजमाबाद कराची। ये जो फ्राइज़ है ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज़ होती है और इस रेस्टोरेंट में ये फ्राइज़ किस तरह से तैयार की जाती है आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ की सीक्रेट रेसिपी कि ये फ्राइज़ किस तरह से क्रिस्पी तैयार करते हैं। तो चले रेसिपी को सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ फ्रेंच फ्राइज रेस्टोरेंट में किस तरीके के क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार होते हैं। सारा का सारा कमाल होता है इसके अंदर आलू का। हम लोग इस तरीके का आलू लेते हैं, क्वालिटी नंबर वन, साइज आप देख लें। इस आलू को मैंने इस तरीके से काट लिया है, स्किन करके, स्किन उतार के इसकी छिलने के बाद इसको इस तरीके से काट लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा फ्लावर, ये कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये आलू कितना है? 1 kg आलू है। इसमें कॉर्नफ्लावर कितना डालना है? मैक्सिमम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर जो आप डालोगे वो डालोगे 100 ग्राम। 100 ग्राम जी हाँ। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है कि जितने भी फ्राइज है उन सब पे कॉर्नफ्लावर लग जाए। ये देखें, ये देखें, ये अच्छी तरीके से हमने कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लिया इसके अंदर फ्राइज के अंदर। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखें, ये कितने देर के लिए फ्राई करना है? ये कलर चेक करना पड़ता है, इसका कलर चेक करेंगे हम। पहले इसको एक मतलब हम हाफ डन करके निकाल लेंगे। हाफ डन कितना देर के लिए? हाफ डन तो 5 मिनट में हो जाएगा, ये 2-3 मिनट 4 मिनट में हाफ डन हो जाता है। ये 2 से 3 मिनट के अंदर, 2 से 3 मिनट के अंदर। ये देखिए, हमने इसको हाफ डन करके बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम छोड़ेंगे यहाँ पे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट के बाद हम फिर दोबारा इसको तेल में डीप करेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको दोबारा डाल रहे हैं अब, लेकिन तेल आपका गर्म होना चाहिए। फ्रेंच फ्राइज आप फ्राई करोगे तो तेल आपका सही गर्म होना चाहिए। आप कितने देर के लिए फ्राई करेंगे इसको? 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में फ्राई करेंगे, इसका गोल्डन कलर आ जाएगा, डार्क गोल्डन। हम इसको निकाल लेंगे, ये क्रंची हो जाएंगे। ये देखें इसका कलर, गोल्डन कलर आ गया, ब्राउन गोल्डन कलर। ये देखें, अब इसका सारा ऑयल निकल लेने। अच्छी तरीके से ऑयल निकलने के बाद इसको स्टीनर में निकाल दो। ये तैयार है आपका फ्रेंच फ्राइज रेस्टोरेंट स्टाइल में क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। एक न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।